क्वेश्चन 30 का ए पार्ट देखिए, क्या कह रहा है। इफ एक्स रेज टू द पावर 30 वाई रेज टू द पावर 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर 50, तो हमें शो करना है। टू प्रूव दैट, टू प्रूव क्या है हमारे पास, ज़रा ध्यान से देखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपका वाई बाई एक्स के इक्वल होगा। ये इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है, तो हमें प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो वाई अपॉन एक्स के इक्वल होगा। अब समझें कि यहाँ पर हम दोनों तरफ लॉगरिथम फंक्शन लेंगे, तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग x की पावर 30 इंटू वाई की पावर 20 इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई की पावर 50। अब दो प्रॉपर्टीज हम यहां यूज करेंगे, एक तो हम यूज कर रहे हैं कि लॉग m n जो है वो लॉग m प्लस लॉग n के इक्वल होता है। दूसरा, लॉग में जो फंक्शन की पावर है वो आगे आपका आ जाती है, तो यहाँ पे लॉग, इसको हम लिख देंगे लॉग एक्स की पावर 30 प्लस लॉग वाई की पावर 20 इज इक्वल टू 50 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। अब ज़रा समझिए, यहाँ पर भी ये पावर आगे आ जाएगी, 30 लॉग एक्स प्लस 20 लॉग वाई इज इक्वल टू 50 लॉग एक्स प्लस वाई। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, यानी ये तो हो गया 30 अपॉन एक्स, ये हो गया 20 अपॉन वाई और वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। 50 सेम, लॉग का हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इस टर्म को इधर ले आइए और यहाँ पे जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म बनेगी और एक डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म बनेगी, तो यहाँ पे आ गया 20 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 50 एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 50 एक्स प्लस वाई माइनस 30 अपॉन एक्स। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया और एलसीएम लेंगे तो वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब वाई से तो ये कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 20 एक्स प्लस 20 वाई माइनस का 50 वाई इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आ गया 50 एक्स माइनस 30 एक्स माइनस 30 वाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहाँ पे आ गया 20 वाई, ओके 20 एक्स, ये बन गया माइनस का 30 वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू यहाँ पे बन गया 20 एक्स माइनस 30 वाई अपॉन एक्स। इस टर्म से ये टर्म पूरा कैंसिल हो गई, ये वाई इधर जाके मल्टीप्लाई में, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स और हमें यही क्या करना था, यहाँ पर शो करना था, तो हमने ये टर्म यहाँ पर शो कर दी। तो बेसिकली की पॉइंट आपको माइंड में क्या रखना है, दोनों तरफ पहले तो आपको लॉगरिथम फंक्शन लेना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे लॉग की रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी यूज करनी है, आफ्टर दैट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को आपको एक तरफ करना है और बाकी टर्म्स को एक तरफ करेंगे तो आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वाई बाई एक्स मिल जाएगी और यही हमें यहाँ पर शो करना था।